शहीदों को श्रद्धांजलि देकर और शहीदों को याद करते हुए परिवारजनों को सम्मानित कर मनाया पुलिस शहीद दिवस। पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के महत्व के बारे में सीआरपीएफ की बहादुरी का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में 3री बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। कंपनी की टुकड़ियों में बाट का चैकसी करने को कहा गया था। जब बल के 21 जवानों का गश्ती दल हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था, तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। तब मल के मात्र 21 जवानों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए 10 सूर्वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे बल के लिए और हम सब के लिए ये गौरव की बात है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इन बहादुर जवानों के बलिदान को देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठन और सभी राज्यों के सिविल पुलिस बल द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैम, आपके जो उपाध्याय जी थे, आपके पतिदेव थे, वो सेवा में शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देश के लिए मतलब अपनी जान की परवाह न करती हुई और अपने प्राणों का बलिदान दिया और उन्होंने अपने कर्तव्य को सबूते लिए माना। इसके लिए अपने परिवार को सबको पीछे रखा, सिर्फ अपने कर्तव्य पर और उसकी बलबेदी पर वो अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। तो ऐसे में आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित की जी, और सभी वरिष्ठ अधिकारी ने आपको सम्मानित भी किया, क्यों तो क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं अपने पति का बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और आज उनका नाम अमर शहीदों में याद किया जाता है और जब तक सूरज सात चांद रहेगा तो मेरे पति का उसी तरह नाम रहेगा। थैंक यू। ओके, आपके पिता जो है पुलिस की सेवा करते करते शहीद हुए, तो क्या कुछ कहेंगे और क्या गर्व महसूस कर रहे हैं आप? गर्व इसी बात का है सर कि वो देश के काम आए, और मुठभेड़ हुई थी सर 2003 में जो हाथी बुंदेला उमरा बुंदेला गैंग की, जिसमें से एक डकैत को पिताजी ने शहीद किया था, दूसरे ने पीछे से आके गोली मारी थी, तो वो लास्ट टाइम तो उसको भी शहीद कर गए, खुद भी शहीद हुआ। आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको सम्मानित किया और आप अपने पिता पर क्या गर्व महसूस करते हैं? ये गर्व महसूस है सर, बहुत बड़ी बात है, वो देश की रक्षा में उन्होंने अपने प्राण त्यागे और आज उनका नाम सम्मान लिया गया, ये मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। थैंक यू। ओके सर, आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, तो इसमें दो जवान जो है हमारे ज़िले के भी शहीद हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जिनका सम्मान किया गया वो इस वर्ष के नहीं है, पूर्व के जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों का सम्मान किया गया है, और प्रतिवर्ष पुलिस शहीद दिवस और पुलिस स्मृति दिवस हमारे जो जवान सारे हमारे राज्यों की जो पुलिस है वो और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवान जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च नौछावर करते हुए अपना प्राणोत्सर्ग करते हैं, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है। आज हमारे ज़िले में भी मनाया गया, जिले के अधिकारी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, न्यायपालिका के न्यायाधीशगण सभी उपस्थित हुए और सभी ने उन सभी जवानों को, अधिकारियों को जिन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया, सर्वोच्च नौछावर किया, उनको याद किया और उनको नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की गई है। थैंक यू। यहाँ पर आप आज उपस्थित हुए, क्या कहेंगे सभी लोगों को? अभी क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक जी ने स्मृति दिवस के अवसर पर जो राज्यवार सूची का वाचन किया, बड़े अधिकारी से लेकर और छोटे हमारे कांस्टेबल तक, राज्यभर में पूरे सभी राज्यों में जो शहीद हुए अपने कर्तव्य पालन करते हुए, जो उनको अकाउंटेबिलिटी दी गई थी, जो दायित्व दिया गया था, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। आज वो नहीं है, लेकिन आज उनको याद करके ये पुलिस विभाग ने और श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी ने आज श्रद्धा सुमन सबने हमने अर्पित किए हैं और उनके परिजनों को भी यहाँ सम्मानित किया है। हम सब ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी निभाते निभाते दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसे शहीद ना हो, और यदि किसी कारणवश हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को
पूरी तरह से प्रोटेक्शन और संरक्षण मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे, इसकी नैतिक जवाबदारी जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। आज स्मृति दिवस पर मैं आपसे सभी से यही आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ, परिजनों के साथ हम जुड़े रहेंगे तो पुलिस विभाग और पुलिस के हमारे जवान हमारी रक्षा में और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। स्मृति दिवस पर आए क्या कहेंगे? आज 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष की भांति शहीद स्मृति दिवस मनाया गया और इस वर्ष के दौरान पुलिस बल के जवान जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। देखिए, सबसे पहले तो उन पर उनको हम हृदय से नमन करते हैं जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस दिया और हम सभी मतलब आम दिनों में नहीं समझ पाते कि इसकी क्या अहमियत होती है और ये एक कठिन समय में ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जो उनसे लड़ना और अपने प्राण की आहुति दे करके हमारे समाज की और हमारे इसकी शांति व्यवस्था कायम करनी, ये बहुत बड़ी बात है और हम सभी उनको सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दो पुलिस जवान पूर्व में भी हमारे जिले में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को आपने सम्मानित किया गया और कुछ क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, बिल्कुल कहेंगे कि हम सभी उनके साथ हैं, कभी किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति में पूरा समाज, पूरा प्रशासन सभी उनके साथ। थैंक यू।